हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और हमारी सवारी निकली है सैटरडे पिकनिक के लिए साइंस सिटी। अहमदाबाद में साइंस सिटी एक जगह है, मैं अभी वीडियो के थ्रू कल आपको पता चली जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको भी, और नीचे विशु और मिसेस सिंह मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं। ओपन द डोर, पीछे बैठो। ओपन द डोर विशु। मम्मा पीछे नहीं, मम्मा आप ही के साथ बैठेगी। नहीं मम्मा को जगह दे रहे कि चिप्स मम्मा खोलेगी। अच्छा मम्मा के लिए वेट कर रहे थे। वेट 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 मम्मा कर दी। ये लेट्स गो। Turn left, then turn right. Keep right, then slight right. हेलो एवरीवन, हम लोग साइंस सिटी पहुंच गए हैं और थोड़ा सा हमारा चस्पा हुआ क्योंकि क्यू बहुत लंबी थी, बट लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हेल्प अस आउट। उसने बोला आप ऑनलाइन बुक करिए एंड हम शेयर करेंगे, लिंक भी शेयर कर देंगे। उससे हमें क्या प्ले स्टोर पर जाके हमने ऑनलाइन किया, हमको बुकिंग होने के बाद हम इजीली कॉम्बो पैक के साथ हम अंदर आ गए और हमने प्रॉपरली अपने आप को और जल्दी क्यू से बचते हुए हमने एंट्री ले ली। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन में भी जा सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि जो लोग अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर हैविंग ए मोबाइल सेट और स्मार्टफोन्स हैं सबके पास, आई विल प्रेफर कि आप क्यू से बचने के लिए ऑनलाइन ऐप का सहारा लीजिए। दैट विल बी ग्रेट। क्यों सोच में ताई? बहुत इजी हो गया। बहुत इजी हो गया, दरअसल हम तो बहुत लंबा लगने वाले थे। कैंपस की फोटोज हैं, कहाँ क्या है चीज़ें। ये पूरे साइंस सिटी का मैप, कहाँ क्या चीज़ें हैं, अट्रैक्शंस। चार्जेस हैं इसके, ई व्हीकल राइड्स के सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। राइड योर फिटनेस, वाटर फ्लोर भी है, कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम कुछ इस चीज़ के साथ जा सकते हैं। ई व्हीकल राइड है तो हमने यहाँ पे ई कार्ड बुक कर ली है। धूप भी है और कैंपस भी काफ़ी बड़ा है। ये देखो सही है, मज़ा आने वाली है खूब। ये फर्स्ट टाइम ई व्हीकल, ओपन घोड़ा गाड़ी टाइप। हाँ उधर लगा ट्रेन राइड है ये। आईनेक्स वैसे थिएटर ये है क्या? ये राइट साइड में क्या है भैया? ये इधर राइट साइड एमपी थिएटर है मैडम। एमपी थिएटर प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड का कुछ सब चालू है। ओके, ये रास्ता बना हुआ है, छोटे छोटे पेड़ आगे। अच्छा ओके, पूरा ग्राउंड लगा हुआ 12 किलोमीटर का। ओके ठीक है, ये इसका क्या बात है, क्या हुआ, ले जाना किसी को। अभी अभी नहीं, चल लो आगे, अपना हमारी मंजिल आगे। अभी लोग रोबोट देखने चल रहे हैं, क्या देखने चल रहे हैं? अभी नहीं, अभी नहीं बिट्टू, आगे ना उधर, आगे मछली है, उधर मछली है। प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ, ओह इसका साइंस का दिखा, क्या होता है स्पेस एंड साइंस, साइंस एंड साइंस में रहा है। हम्म, राइट साइड में। हां अच्छा, सामने दिख रहे पट्टी है, पहले रोबोटिक छोड़ो। हां पहले एक्वेटिक कर लो, फिर रोबोटिक कर लो, उससे आपको डायरेक्ट जो भी है मतलब लाइन से करते चलो।
हमारी एंट्री अब हो चुकी है एक्वेटिक गैलरी में, जो हमें मतलब पहले तो नहीं पता था, पर जब हमने वहाँ पे एंटर किया और उसके बारे में सब कुछ जाना तो पता चला कि जो एंट्री है हमारी यहाँ से, ये पूरा 360 फिश टैंक है। मतलब हमारे ऊपर भी फिश, नीचे भी फिश, लेफ्ट राइट हर जगह फिश। ये 360 फिश टैंक था हमारा, जो हमारे चारों तरफ था। और मतलब शब्द नहीं है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि क्या बताऊं। और इतनी सारी फिश और इतनी सारी वैरायटी, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको बताते चलूँगी। अभी आप ये पहले 360 व्यू ले लीजिए यहाँ का। ये हमारा फर्स्ट फिश टैंक, और यहाँ पे ये बबल इस बबल में आप पता है नीचे से आप इस बबल में जा सकते हो, अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो और अंदर से फिशेस को देख सकते हो। तो भाई मिस्टर सिंह एंड विशु तो भाई अंदर चले गए थे और उन्होंने वहाँ से पूरा व्यू लिया, और हम मतलब हमने वहाँ पे पिक्चर्स भी क्लिक की। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप यहाँ पे अंदर जाओ और ये देखो ड्रॉप ऐसा लग रहा है जैसे ड्रॉप गिरा है और उसके अंदर ये दोनों दिख रहे हैं। ये भी अच्छा है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे गए तो। और ये रिसेप्शन एरिया जो था वहाँ का, वहाँ से बिल्कुल लगा हुआ एक्वेटिक कॉरिडोर में जा रहा है ये रास्ता। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर पूरी फिश फिश फिश। और यहाँ से हमारा फिश का कॉरिडोर स्टार्ट होता है, जहाँ पे तरीके तरीके की फिशेज एंड बहुत सारे जो हमारे पानी में रहने वाले जंतु हैं, जीव हैं, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। There are two types of water, fresh water and artificial marine water, जो कि ये पूरे टैंक में यूज़ करते हैं। तो उनका मतलब कहना था कि जो मरीन वाटर की फ़िश होती हैं वो आपके नॉर्मल वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, और जो फिश नॉर्मल वाटर में सर्वाइव करती हैं वो मरीन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो अलग अलग वाटर में ये फ़िश को रखा जाता है, और वो जो आर्टिफिशियल मरीन वाटर बनाते हैं वो भी ये यहीं पे बनाते हैं। सॉल्ट वगैरह जो भी यूज़ करके वो जो मरीन वाटर रेडी करते हैं वो भी यहीं पे रेडी करते हैं। जो कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सुनने में कि मतलब इतना लंबा प्रोसेस है इतनी सारी फ़िश को एक साथ रखने में और उनको मतलब सही सलामत रखने में। तो काफ़ी अच्छा लगा जान के ये। और ये रही हमारी गोल्डन फिश, जो मतलब वहाँ पे बहुत कम ऐसी फिशेस थी जिनके नाम हम अपने मतलब खुद से जानते थे। एंड ये फिश पता है कोई कोई फिश, और ये हम लोग पढ़ के इतना हंस रहे थे, और विशु और मतलब उनके पापा जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कोई कोई करके ही खेलते हैं। तो यहाँ पे जब ये फिश देखी कोई कोई नाम की तो बहुत अच्छा लगा देखे कि अच्छा इस नाम की फिश भी है। और ये देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉलपेपर देख रहे हैं ना, कितनी खूबसूरत छोटी 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 फिश थी। और यहाँ पे आपको पता है 10 डिफरेंट टाइप के जोन्स के फिश एंड मतलब जो भी यहाँ के जीव जंतु थे वो 10 डिफरेंट जोन्स के थे, लाइक इंडियन जोन, अफ्रीकन और अमेरिकन, यूरोपियन वगैरह वगैरह। ये देखिए यहाँ पे मैं और विशु फिश देखने में मस्त है कितनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में। आप एक बार वहाँ जाके ज़रूर देखना, ये देखो इतनी बिग है ये। विशु तो बहुत एक्साइटेड था इन सबको देख के, उसके लिए तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। मतलब जो चीज़ें वो बुक में क्या, मतलब इतनी सारी वैरायटी तो उसने बुक में भी नहीं देखी होगी। ये थोड़े शांत स्वभाव की फिश लग रही थी भाई, इतनी शांति से आराम से बैठी हुई थी। इसको देखिए थोड़ी देर को लगा कि मतलब ये क्या है, ये रियल है कि नहीं
ब्लू गिल, ये फिश का नाम ब्लू गिल था। और ये देखिए, मतलब सारे फिशेस को कैसे अलग अलग डिवाइड किया है, किसको कौन सा वाटर चाहिए, किसको नहीं चाहिए, कौन कहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ब्यूटीफुली डिवाइड किया हुआ था सबको। और ये देखिए, ये भी उन्हीं शांत स्वभाव वाले, ये इस फिश का नाम पोलका डॉट फिश था। ये हमारे टटल भाई साहब। अगेन वॉलपेपर सीन। वाओ, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी फिश, मुझे इतनी खूबसूरत लगी ये फिश। तो मैंने मतलब डिस्कवरी चैनल मैं काफ़ी देखती हूँ, उनमें भी मैंने ये फिश नहीं देखी। ये अफ्रीका की थी शायद, हाँ ये अफ्रीका की थी। और ये देखिए, इस फिश का नाम था जाइंट मोरे। बहुत ही शांत, और मतलब, और ये पता है, ये जो इनका डेकोर कह लो या घर कह लो, जो भी डिज़ाइन किया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था। वो जितनी भी जाइंट मोरे फिशेस थी वहाँ पे, उन्होंने उसको मतलब अपना घर ऐसा बनाया था। अभी मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ कि मतलब ये कुछ देर को तो मतलब कुछ फिश को, ये देखिए इन दोनों को तो देखा हमें लगा कि अरे ये रियल है, ये ज़िंदा है कि ये डेकोरेशन वाली ही चीज़ें हैं। बट जब इनकी आईज देखी और माउथ देखा तो वो मूव कर रहे थे। देखिए किस तरीके से उस मटके में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, लग रहा है ये दोनों। बहुत मतलब एकदम आराम से शांत। ये देखिए इसके अंदर अंदर सब बैठे हुए थे इतने आराम से। मैंने मिस्टर सिंह को भी बोला कि देखो ये घर इनका कितने अच्छे से बना हुआ है कि वो अपना घर एंजॉय कर रही हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। एक वो देखिए, वो येलो पॉट के पीछे, ये देखो दो एक में। एंड ये पर्पल फिश, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मतलब मैं इतनी देर से हम लोग यहाँ पे हैं इसमें और इतनी सारी फिशेस देखी, एक भी कलर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, मतलब सीरियसली। और यहाँ से स्टार्ट होता है शार्क टनल, और काफ़ी लंबा था ये, अराउंड 28 मीटर्स का था ये शार्क टनल। और यहाँ पे बहुत सारी शार्क्स थी, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था इसके अंदर का। तो इसका भी एक्सपीरियंस अलग ही था। विशु को दिखाती हूँ मैं, इतना एक्साइटेड था यहाँ पे आके, मतलब उसको ऊपर साइड में हर जगह फिश देखने को मिल रही थी। तो अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताऊँ कि मतलब इस एक्वेरियम में, मतलब इस एक्वेटिक गैलरी में जो वाटर यूज़ हुआ है वो है 40 लाख टन वाटर। समझ रहे, कैन यू इमेजिन, मतलब 40 लाख टन वाटर यूज़ हुआ है इस पूरे एक्वेटिक गैलरी में। और ये जो स्पेशली शार्क टनल है ये 28 मीटर्स का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेल्फी, फोटोज़, वीडियोज़ यही सब चल रही थी वहाँ पे। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि कोई भी वहाँ पिक्चर्स क्लिक किए बिना नहीं रह पाया। ये थोड़ा सा पीछे से व्यू दिखा रही हूँ मैं। और ये देखिए, ये जो डिज़ाइन बनाया था, ऐसा लग रहा था मतलब समंदर के अंदर द्वारिकाधीश डूबा हुआ है, या जो नहीं मतलब दिखाते हैं डिस्कवरी चैनल पे कि ये पूरा मंदिर या जो भी है वो समंदर में डूबा हुआ है, वैसा सा कुछ लुक आ रहा था कुछ। ये देखिए, यहाँ से फिर हमने एग्ज़िट ले लिया था। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे आपका 5D थिएटर था, एंड आपका वो मेन अट्रैक्शन जो है एक्वेटिक का, आपका पेंगुइंस। आइए उसको भी दिखाते हैं आपको।
ये रहा हमारा मेन अट्रैक्शन जो कि रिसेंटली ऐड हुई है यहाँ पे, तो इनको स्पेशली देखने हमें जाना था। और अभी अक्टूबर 2021 में ही आई है यहाँ पे, और टोटल 7 आई थी, न्यूज़ में हमने देखा था 7 आई थी, बट यहाँ पे हमने आज 3 ही देखे, तो बाकी पता नहीं कहाँ, मतलब शायद किसी ये वॉल के पीछे या कहीं रही हूँ, हमें नहीं दिखी। और अच्छा था एक्सपीरियंस ये भी, मतलब हमने फर्स्ट टाइम देखा लाइव पेंगुइन काफ़ी अच्छा लगा। और ये 5D थिएटर जहाँ पे डायनासोर का शो दिखाया जाएगा 5 मिनट का आई थिंक। कैफेटेरिया है यहाँ का, आप अच्छे से खा पी भी सकते हो, वैसे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाओ क्या खाना है विशु को, विशु को क्या खाना है भाई? शिप में सेल वाला होता ना वैसे देखो। हाँ आपको क्या खाना है? फ्राइज। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, हम कंटिन्यू करेंगे, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बाय।